इकोनॉमी चेंज होगी, पॉलिटी और सोसाइटी अपने आप चेंज होगी। और उस फटे हुए छाते को लेकर एक्ट्रेस के ऊपर गाना गा रहा है वो, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार तो कर लू संभालेगा कौन, कुड़ी कहती है मैनू जगुआर ले लो। अफगानिस्तान की औरतें बुरका क्यों करती हैं? अगर अमेरिका की स्त्री हवाई के बीच पर अर्धनग्न लेटी है होगी तो राजनीति अपने आप चेंज होगी। आप अफगानिस्तान की इकोनॉमी देखो, अफगानिस्तान की पॉलिटी और सोसाइटी देखो, आप चाइना की इकोनॉमी देखो, चाइना की पॉलिटी और सोसाइटी देखो, आप अमेरिका की इकोनॉमी देखो, अमेरिका की पॉलिटी और सोसाइटी देखो। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी वो डिसाइडिंग फैक्टर है। आप इंडिया देखो, सब कुछ छोड़ दो, इंडिया देखो, बॉलीवुड की मूवीज देखो, 1991 से पहले 1970 में कौन सी मूवी बनती है? रोटी। क्योंकि हिंदुस्तानियों की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है अनाज, फूड। 1970 में कौन सी मूवी बनती है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और देश में पैसा बहने लगा तो मूवियों के नाम बदल गए। अब मूवी का नाम क्या है? जिस्म। अब रोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मूवी का नाम क्या है? मर्डर। इकोनॉमी चेंज होगी, पॉलिटी और सोसाइटी अपने आप चेंज होगी। डिसाइडिंग फैक्टर, मेन फैक्टर नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर है इकॉनमी। इकोनॉमी बदल गई, इकोनॉमी चेंज होगा, पॉलिटी चेंज होगा, इकोनॉमी चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगा। वो राज कपूर की मूवी है ना, श्री 420। तो राज कपूर जो है एक मजदूर है, लेबरर है, बारिश हो रही है और छाता फटा हुआ है और उस फटे हुए छाते को लेकर एक्ट्रेस के ऊपर गाना गा रहा है वो, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो आप एक्ट्रेस का जवाब सुनिए कितना प्यारा है, कहता है दिल रास्ता मुश्किल भिखमंगे हो तुम। वो ये नहीं कह रही कि मुझे प्यार से डर लग रहा, नहीं नहीं नहीं, वो कह रही कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं कहां मंजिल, कि भिखारी हो भिखमंगे हो प्यार तो कर लूं संभालेगा कौन। वो एक पुराना गाना था, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी पावर्टी थी 1970s में, इतनी गरीबी थी कि आदमी फूल से ज्यादा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। आज गाना क्या है? कुड़ी कहती है मैनू जगुआर ले लो। इकोनॉमी, जैसे ही इकोनॉमी चेंज होगी, पॉलिटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी, रिलीजन चेंज होगा। अब इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, समाज स्वतः बदलेगा। समाज को बदलना ही। अब आप कहेंगे कि साहब सऊदी अरेबिया में, ईरान में, वहां के लोग ज्यादातर जींस नहीं पहनते, स्त्रियां ज्यादातर जींस नहीं पहनती, अफगानिस्तान की औरतें बुर्का क्यों करती हैं? जरूरत है सर, अमेरिका ताकतवर मुल्क है, समृद्ध, ताकतवर सेना है, ताकतवर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, औरतें कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट है, 10-10 लाख रुपए सैलरी है, 20-20 लाख रुपए सैलरी है, और इकोनॉमिक स्वतंत्रता आपको सोशल स्वतंत्रता देती है। और जहां स्टेट ताकतवर है वहां स्टेट अपनी प्रजा को सुरक्षा दे सकता है। तो अगर अमेरिका की स्त्री हवाई के बीच पर अर्धनग्न लेटी है तो उसे स्टेट सुरक्षा दे रहा है। अफगानिस्तान राज्य बुरी हालत में है, स्थायी सेना ही नहीं है, बाहर की फोर्सेस पड़ी हुई हैं, पुलिस है ही नहीं, तो वहां स्त्री की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्र नहीं ले सकता, स्टेट नहीं ले सकता। तो सुरक्षा किसके हाथ में? आपके अपने हाथ में।